सत श्रीकाल नमस्ते याद आप तभी वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़ और एक बारह साल की बच्ची जो कि सऊदी की बेटी बच्ची है उनको किडनेप कर लिया गया और हमारे अजनबी भाई के पेट में तीन छड़ घुस गया है तो बहुत सारी न्यूज़ है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी न्यूज़ मालूम हो जाए चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आज मेरा बर्थडे भी है सत्रह अक्टूबर दो उन्नीस को मैं दुनिया में आया था और आज मैं तीस साल के आसपास हो चुका हूँ मतलब तीस साल पुराना हो चुका हूँ ठीक है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका विश करने के लिए तो आइए न्यूज़ जानते हैं तो स्टार्टिंग में आपने कुछ रोड की वीडियो देखी है वो रियाद का रोड है और रोड की वीडियो है तो सऊदी में कुछ रोड में और भी इम्प्रूवमेंट होने वाला है कुछ और भी नया होने वाला है कुछ पता नहीं क्या होने वाला है आई थिंक सो रियाद के अंदर में कुछ देखना आने वाले दिनों में रंग बिरंगी चीज़ें लगने वाली है नवंबर के बीच में अभी अक्टूबर चल रहा है नवंबर के बीच में तो ये कुछ झलक स्टार्टिंग में आपको बड़ा बेहतरीन लगा होगा तो आपको मैं बता दूं सऊदी अरब के अंदर में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को किडनैप किया गया हो रिकॉर्ड वाली बात यह है कि जो कभी नहीं हुआ वो आज हो गया और ये भी करने वाला कौन निकला हिम्मत अजनबी अजनबी ने दो अजनबी ने एक 12 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया यहाँ पर मैं आपको न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ ये है बच्ची ठीक है ये देख लीजिए और ये अरबी में लिखा हुआ है बारह साल देख रहे हो उम्र बारह साल ये ठीक है टू दो और एक है अरबी का ठीक है अरबी और उर्दू का सेम ही बार आता है ये बच्चा थी और यहाँ पे आप देख सकते हो पुलिस ने पूरा यहाँ पे लिखा है अरबी में तो अभी ट्विटर पे बहुत सारा ये वायरल है और 12 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया गया दूसरी बात ये है कि ये जो है आपको पुलिस ने रियाद पुलिस ने जैसे ही रियाद पुलिस को पता लगा कि ये आपको मतलब कि ये ऐसे मिसिंग है आपको पता अठारह साल 20 साल 22 साल की होती चलो घर से बाहर चले गई गुस्से में चले गई कुछ भी हो गया होगा लेकिन ये 12 साल की बच्ची को किडनैप किसने किया तो इसको किडनैप करने वाला दो एशियन है एशियन मतलब एक्सपेट्रिएट्स जो काम करते हैं सऊदी अरब के अंदर में दोनों को सबसे पहली बात तो पुलिस ने पकड़ लिया अरेस्ट कर लिया दूसरी बात इनके घर में से देखो सऊदी पुलिस का कितना जल्दी रिस्पॉन्स होता है इनके घर से असला भी मिला बंदूक भी मिला और भी नशीले बहुत सारी चीज़ें मिली तो इनको पकड़ लिया गया है फिलहाल ये बच्चा ठीक है इसको कोई दिक्कत नहीं है अब ऐसा कांड करने वाले लोग कौन हो सकते हैं जिनको जिनका दिमाग ना हो जो नशे में हो जो अपनी फैमिली से मतलब फैमिली को भूल चुका हो फैमिली ना हो दिमाग में उनके पता नहीं क्या चल रहा हो तो वही ऐसा काम करें क्योंकि ऐसा कांड करने वालों का सीधा गर्दन गायब गर्दन ही उड़ जाएगा ऐसे दो एशियाई थे ना इंडियन ना पाकिस्तानी ना बांग्लादेशी ना नेपाली इन लोगों को छोड़ के ना श्रीलंकन ना इजप्तियन ये सब नहीं थे बाकी और भी बहुत सारे देश के लोग होते हैं तो हिडन रखा गया है यहाँ पे तो पकड़ लिया गया है सबसे अच्छी बात है कि बच्ची सेफ है अब मैं जो आपको अगली न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ सऊदी अरब में हमारे बहुत सारे अजनबी भाई काम करते हैं आप सबको मालूम है अलहमदिल्ला आप सब अजनबी भाई ही हैं जो हमारी न्यूज़ देख रहे हैं अलहदुल्ला बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पर बने रहने के लिए तो अजनबी भाई के पेट में छड़ घुस गया तीन छड़ यूँ यूँ घुस गया है तो यहाँ पर मैं आपको न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा सबसे पहली बात कि ठीक है एक ही आदमी के अंदर तीन छड़ घुसा है तो सऊदी के डॉक्टर बहुत ही हाई फाई क्वालिफाई होते हैं माशाल्लाह तो सऊदी डॉक्टरों ने उसके शरीर से छड़े हटाकर विदेशी की जान बचाई ना इसमें यह नहीं लिखा गया कि ना इंडियन ना पाकिस्तानी ना बांग्लादेशी ये सब नहीं लिखा गया बस लिखा गया है विदेशी ठीक है तो ये देख सकते हो एक्सरे और एक्सरे के अंदर देखो ये छड़ देख सकते हो आप किस तरीके से ये घुसा हुआ है छड़ ठीक है एक्सरे करा किया गया है देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से छड़ इसके अंदर घुसा हुआ है सऊदी अरब के किंग सऊद विश्वविद्यालय के तहत मेडिकल सिटी के मेडिकल स्टाफ ने एक विदेशी के शरीर से लोहे की तीन छड़े निकाल कर उसकी जान बचाई सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए के मुताबिक किंग सऊद यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल की सलाहकार डॉक्टर नूरा अल सबी ने कहा कि एक निवासी विदेशी को उसके शरीर में तीन सीरिंज डाल कर आपातकालीन वार्ड में लाया गया और विभिन्न परीक्षणों बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सरे के बाद उसका एक्सरे सफल हुआ और विदेशी ठीक है वो खतरे से बाहर है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी देश में काम करते हो तो एहतियात से काम कीजिए बच्चे हों आपके घर पे आपका वेट कर रहे होंगे फैमिली वेट कर रही होंगी आपको कुछ हो जाएगा तो घर वालों का क्या होगा आपको कुछ हो जाएगा तो घर वालों का क्या होगा आप ये सोचो तो सेफ्टी कोई भी काम अगर आप करते हो सेफ्टी से कीजिए आप अगर कोई लोहे वाला काम करते हो छड़ का छड़ का काम करने वाले मतलब कोई ना कोई बिल्डिंग का काम हो रहा होगा वहीं पे छड़ घुसा है या ऊपर से नीचे गिर गया होगा या फिर कोई लकड़ी का काम कर रहा होगा सेटरिंग वगैरह लगा रहा होगा तो नीचे गिर गया होगा तभी कुछ ऐसा हुआ होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेफ्टी के साथ काम कीजिए और जो आपके सेफ्टी ऑफिसर हैं उनकी पूरी बात मानिए प्लीज अगली न्यूज है सऊदी अरब में 26 सऊदी नागरिक को हिरासत में लिया गया है वो इसलिए है कि देखो सऊदी हो या अजनबी हो सबको गिरफ्तार करते हैं नियम कानून सबके लिए एक बराबर ये नहीं कि भाई तू सऊदी तो मैं तेरे को छोड़ दूँगा ऐसा नहीं है तो एक बहुत बड़े मतलब बोलते हैं कि खुला इलाका में कोई जंगल में लकड़ी काट काट के ला रहा था उसको कोयला बना के बेच रहा था वहाँ पे बंदूक मिला बहुत सारी चीज़ें मिली पाँच हज़ार रियाल का जुर्माना लगा है दस हज़ार रियाल का जुर्माना है एक लाख रियाल का जुर्माना इस तरीके से लगा है छब्बीसों आदमी को जो सऊदी थे स्पेशल और अगली न्यूज़ में आपको शेयर करूंगा ताबुक में भूकंप आया है लेकिन भूकंप से किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ ठीक है आज सुबह ही आया है सुबह सुबह सऊदी के टाइम से पौने ग्यारह बजे ताबुक में भूकंप आया है झटके महसूस किए गए हैं ठीक है लगभग अड़तालीस किलोमीटर ताबुक के आसपास जो है ये झटके महसूस किए गए क्या ताबुक में हो आप तो क्या आपको लगा है कि भूकंप आया है कमेंट कीजिएगा अगली न्यूज़ है सऊदी अरब के अंदर में आप सबको बता दूँ कि अभी मोटरसाइकिल बहुत सारा चोरी हो रहा है प्लस बहुत सारे मोटरसाइकिल को पकड़ा भी जा रहा है पुलिस उठा के लेके जा रही है तो यहाँ पे आप न्यूज देख लो देश भर में उल्लंघन करने पर चार सौ अड़तालीस मोटरसाइकिल जब्त ये क्यों जब्त किया जा रहा है वजह बताता हूँ यातायात विभाग ने मतलब मुरूर ने कहा है कि मोटरसाइकिल मालिकों के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्रैफिक अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों में चार मोटरसाइकिल स्कूटर स्कूटी सब कुछ मिला करके जब्त की है मुरूड़ का कहना यह है कि मोटरसाइकिल जो है जो रोड पे चलता है तो ना उसका कागज़ होता है ना उसका पेपर होता है ना कोई लाइसेंस होता है इसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत होते हैं इसकी वजह से हम जहाँ भी देख रहे हैं जिसके पास भी देख रहे हैं हम वहाँ से उसको उठा ले रहे हैं तो आपके घर के बाहर से भी चोरी हुआ होगा तो शायद हो सकता है कि पुलिस ही उठवाया हो सकता है अगली न्यूज है सऊदी अरब की सऊदी रियाल सऊदी रियाल आज है सत्रह अक्टूबर जो कि मेरा जन्मदिन था अलहमद्ला बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कमेंट करने के लिए तो सऊदी अरब का सऊदी रियाल आप देख सकते हो माशाल्लाह इंडिया का करेंसी देख लो कितना तगड़ा बन चुका है इक्कीस रुपये छियानवे पैसे लगभग मतलब बाईस रुपये के आसपास पास एक डॉलर लगभग एट्टी टू पॉइंट फिफ्टी पैसे बिरासी पॉइंट पचास पैसे के आसपास पास बिरासी रुपये पचास पैसे के आसपास बन रहा है एक डॉलर इंडिया का फिर भी हमारे आ, इंडिया में जो कानून चला रहे हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं डॉलर बड़ा हो रहा है इंडिया का पैसा वही है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो ये थी कुछ न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो शेयर कीजिएगा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कमेंट कीजिए लाइक कीजिए तो में याद रखिएगा और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़